प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो कि हम चर्चा कर रहे हैं आपके 11th क्लास के थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, जिसका है आज हमारा लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपके जो 3.1 एक्सरसाइज है उसके जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे उनको सॉल्व किया, और जो नेक्स्ट जो इसका बेसिक है उसके ऊपर थोड़ी सी हमने कुछ चर्चा की थी, जिसके अंदर बच्चों हमने ये पढ़ा कि भाई एक तो क्वाड्रेंट क्या होता है, भाई क्वाड्रेंट के अंदर कोई एंगल कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है वो पता करना, नंबर एक। नंबर दो हमने फिर ये पढ़ा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू देता है। तो एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ उनको। तो जो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और जो एंगल के मेजरमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। एंगल के जो मेजरमेंट की बेटा जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा याद रखना बच्चों, चाहे कोई कर्व हो या कोई एंगल हो, उसके जो मेजरमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा होती है। ये बात बेटा आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। आगे इसके अंदर हम और कुछ देखते हैं, तो वो देखिए। फिर हमने ये पढ़ा था भाई यहाँ पे वैल्यू आती है पाई बाय 2, 5π/2, 9π/2, 13π/2, कुछ इस टाइप से आगे, यानी 4 का गैप यहाँ पे चलता रहेगा। और यहाँ पे पाई, 3π, 5π यानी ओड, और यानी विषम 1, 3, 5, 7 ये सब पाई यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आता है 3π/2, 7π/2, 11π/2 कुछ ऐसे, ये भी 4 के गैप में चलेगा। यहाँ पे इवन पाई की फॉर्म अर्थात 2π, 4π, 6π इस तरीके से कुछ ऐसा चलता रहेगा। तो बच्चों सबसे पहले जो हमारी प्रोसेस होती है, देखो बेटा हर एक बात की जो बेसिकली जो बातें हैं फंडे हैं उनको आपको माइंड में रखना है। नंबर एक, एंगल मेजरमेंट के लिए सबसे पहला काम आपका ये होगा, आपको ये पता करना चाहिए कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और उसके लिए आपको 180 से डिवाइड करो, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, हो सकता है कल मैंने इसे जैसे मान लो मैंने ले लिया 3260, इसके ऊपर यदि मुझे किसी की वैल्यू पता करनी हो तो हो सकता है मैं इतने इजीली अभी पता ना कर पाऊँ, लेकिन मैं ये पता कर लूँ ना कि वो क्वाड्रेंट क्या है। क्योंकि बेटा देखो एक बात आप खुद सोचो, मान लीजिए जैसे ये एंगल ये 30 डिग्री है, मान लीजिए ये एंगल कितना डिग्री है आपका, एक बार मान लो 30 है, वैसे 30 से थोड़ा ये 45 के आसपास लगेगा आपको मेजरमेंट करने पर, एक बार जस्ट इमेजिन मान के चलिए ये 30 डिग्री है। अब मान लीजिए भाई यहाँ से चल के कोई यहाँ आया, फिर मान लो एक कंप्लीट राउंड कर लिया एक, फिर मान लो एक और राउंड कर लिया, फिर वो अगर यहाँ आया तो वो वैल्यू वही देगा जो 30 डिग्री की वैल्यू थी। बस समझ आई, वो वैल्यू वही देगा जो वो 2, 4, 10 कितने भी राउंड करके यदि वापस इसी पोजीशन पे आता है तो एंगल की वैल्यू वही देगा, क्योंकि पोजीशन तो वही है ना उसकी, राउंड ज्यादा हो गए तो क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो कोई भी मैं भी यदि अपनी स्तर पे यदि मैं ऐसे चक्कर लगाऊंगा एक, फिर मैं एक चक्कर पूरा लगा लूं तो मेरी पोजीशन तो वही रही, पोजीशन थोड़ी ना चेंज होगी तो वैल्यू थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज होने पर बेटा वैल्यू चेंज होती है, चाहे वो राउंड कितने लगा लो यदि वापस उसी पोजीशन पे आता है तो वही वैल्यू। तो यानी हमें यदि क्लियरली 360 तक की सारी वैल्यू यदि पता चल जाए, हम ज्ञात कर पाए उसके बेटा फॉर्मूले होंगे, उसके बाद हमें सिर्फ ये पता करना होगा वो कौन से क्वाड्रेंट की होगी और किस तरीके की होगी। तो आज के इस लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं, ये है तो इसके 180 से यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ, जैसे मान लो 0 से 0, ठीक है, रिमाइंडर कितना आता है उसके ऊपर फोकस करना है अपने को, ठीक है। तो इसको डिवाइड करूँगा, 1 पे जाएगा, 1, 4 बचेगा, 6 लिया, 8 पे जाएगा, 144 यानी 2 बचेगा, 0 मैं लगा देता हूँ क्योंकि इसको मैं डिवाइड करूँगा तो ये कुछ आएगा, यानी कि 18 टाइम तो 180 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, प्लस 20 डिग्री मेरे पास एक्स्ट्रा बचेगा, ठीक है।
तो आप ये देखिए कि 18 पाई उधर हो गया इधर, तो आप ये देखिए कि ये एक इवन नंबर है यानी सम संख्या है और वो इस साइड है, यानी 18 पाई मैं यहाँ आ गया। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा सा 70 कर देता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। तो अब 18 पाई के बाद मैं यहाँ आया, 30 डिग्री आ गया ना। तो बेटा यदि इसके ऊपर जो साइन है यानी साइन 3270 की वही वैल्यू होगी जो साइन 30 डिग्री की होगी, अर्थात 1/2। बात समझ आई? यानी इसलिए ये सबसे पहले ये पता करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है एंगल, कोई भी एंगल पे फंक्शन की वैल्यू पता करने के लिए, कि वो कौन से एंगल के ऊपर वापस आ रही है। जैसे यहां यदि ये पता चल गया कि भाई 30 डिग्री के ऊपर ही वापस आ रही है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से बच्चों अब बात समझ आ चुकी होगी शायद आपको, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं प्रीवियस लेक्चर से और इस लेक्चर के अंदर भी यही बात आपके आगे बार बार बोल रहा हूँ कि ये पता करना सीखना है पहले कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई, 180 से डिवाइड करो, प्लस कर रहे हो तो इस डायरेक्शन में बढ़ो, माइनस करना पड़े तो रिवर्स आ जाओ, ठीक है। बाकी हम जब एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो ये फंडा आपके और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ आ गई होगी बच्चों आपको, मैंने वोकल वाली बातें क्यों दोबारा डिस्कस की है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आप जानते हो, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो ऑल इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। क्यों देते हैं? तो इसका रीजन आप 9th क्लास से देख रहे हो, 9th में आपने देखा 10 के अंदर जो आप टेबल याद करते हुए आए हो, याद आ गई होगी अब तो, जो आप टेबल याद करते आए हो वो टेबल आपको कोई भी वैल्यू नेगेटिव दिखाती है क्या? हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, हैं? अब नेगेटिविटी पे भी आएंगे, इस सब बातों पे आगे चर्चा करेंगे। इसके अंदर बच्चों साइन और कोसेक ये दो पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर टेन और कोट ये दो पॉजिटिव होते हैं, और इसके अंदर सेक और कोसेक ये दो पॉजिटिव होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं है। यानी चारों क्वाड्रेंट के अंदर हमने ये चेक कर लिया कि कौन सा एंगल कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यूज करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में हम साइन और कोसेक पॉजिटिव लेके चलेंगे, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव लेंगे, और फोर्थ में सेक और कोस, सॉरी यहाँ पे कोस आएगा बेटा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? कोस आएगा। अब आपको कह सर यहाँ पे बेसिकली मीनिंग क्या है? तो बच्चों इसका मीनिंग ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 120 डिग्री की वैल्यू पता करनी हो आपको, ऑल टोटल 6 के 6 एंगल्स के लिए, साइन 120 कोस 120 तीन पे आते हैं, टेन 120 क्योंकि बाकी तो इनके रिवर्स होते हैं, तो उसका रिवर्स कर देंगे, डिग्री है बच्चों ये, ठीक है। अब यदि वैल्यू पता करनी हो तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, ये पता करना होगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल भाई इसको 180 से डिवाइड नहीं करोगे आप, क्योंकि 180 से बहुत छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे सीधा पता चल जाएगा। तो 90 यहाँ पे होता है, हमें सबको पता है आपका जो 90 डिग्री अर्थात पाई बाई टू है वो यहाँ है, ये हम सब जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। अब 120 तक पहुंचने के लिए यदि मैं 19 निकाल दूं तो मेरे को कितने की और जरूरत है? रिक्वायरमेंट तो 30 डिग्री और है, 90 में प्लस करना है या माइनस करना है 120 तक पहुंचने के लिए? तो आपका जवाब ये होगा कि सर प्लस करना पड़ेगा। हाँ तो ये प्लस करना पड़ेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, हमें एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव डायरेक्शन उधर है, नेगेटिव डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में यदि मैं बढ़ूँ तो 30 डिग्री ऐड करूँगा बच्चों, तो मैं यहीं पर कहीं पर आ जाऊँगा ना भाई, 120 यदि आप एंगल बनाओगे तो भी 120 यहाँ आएगा, क्योंकि ये तो 180 है, आगे जा नहीं पाऊंगा कम में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब इनकी वैल्यू चाहे कुछ भी आई वो अलग बात है, हाँ लेकिन इसकी पॉजिटिव आएगी, इसकी नेगेटिव आएगी, इसकी रिजल्ट उत्तर नेगेटिव आएगा। अब बताइए क्यों? तो देखो छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जब ये बीच में कहीं वैल्यू दिखेगी आप इनके, अगर मान लो प्लस की जगह माइनस ले लेते हो, तो बच्चों मैथमेटिक्स तो इतनी बहुत है
कि यदि प्लस की जगह कहीं भी माइनस हो गया, पूरा क्वेश्चन का जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाती है, बहुत दिक्कत आ जाती है कैलकुलेशन में। इसलिए आप इन बारीक चीजों को बारीकी से याद रखोगे, ठीक है? बस समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से आपको कि एंगल पॉजिटिव नेगेटिव क्या वैल्यू देता है, वैल्यू कुछ कैसे आएगी वो भी हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा जो एम था वो ये है कि भी ये पता करना क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट पता करने के बाद ये पता चल जाएगा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आप कहोगे सर वन, लेकिन चलो पॉजिटिव नेगेटिव तो क्लियर हो गया, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसके लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, कुछ बातें बताऊंगा जो आपको एकदम आराम से समझनी है। अच्छा देखो, नई बातें हैं, हो सकता है थोड़ा अलग लगे, लेकिन ये तो नहीं कि कठिन है। बस थोड़ा सा एक बार नई चीज़ है तो एक बार थोड़ा सा देखने में थोड़ा अलग लगेगा, बाकी हाँ चीज़ बहुत ईजी है। बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को आराम से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो जो जो बातें बच्चों हम सीखेंगे वो आपके आगे की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हमारी हेल्प करेगी। और बच्चों देखो, ट्रिग्नोमेट्री को तो कभी भी हल्के में आपको लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री मैथ का एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लो, कोई भी तरीके का कंपटीशन एग्जाम दे लो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, और हायर एग्जाम, इसके अलावा जो हायर मैथ है जैसे 11th के बाद 12th है, BSc है या MSc है, या जो JEE की कोई बच्चा प्रिपरेशन करना चाहिए, उन सब के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री तो बच्चों हमेशा ही सभी में यूज होती है। और बेसिक से ही इसको कवर करोगे तो आप मान के चलो चाहे कोई भी लेवल की मैथ हो, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ट्रिग्नोमेट्री, क्यों कहीं ना कहीं ये यूज हर जगह होती है, ठीक है? तो बच्चों पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, थोड़ा सा समझिए इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। तो हमारा जो मेन एम रहेगा, एंगल का जो पोजीशन है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वो इनके ऊपर डिपेंड कर देंगे हम वापस, ठीक है? जैसे आपको यहाँ पता है 4π, 6π, 8π, उनकी जो पोजीशन है फिर हम इन्हीं 360 के बीच के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, ठीक है? बाकी को हटा दें कि हमें सिर्फ एंगल की पोजीशन पता करनी है, ठीक है? तो जो आपने 9th और 10th के अंदर कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं जिनको मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, यदि आपको याद हो, आपको सर ऐसा तो नहीं है बेटा 90 डिग्री याद करो, बुक के अंदर शायद 90 होगा, पाई बाय 2 यूज नहीं किया हुआ है आपका, तो इसलिए आपको ये अलग लगेगा, लेकिन वही है मैं 90 को पाई बाय 2 लिख रहा हूँ, 90 डिग्री को। अब तो याद आ गया होगा कि पढ़ा हुआ है, अभी भी याद नहीं आया? ये बच्चों आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो इसे मैंने लिख दिया कुछ ऐसा, ठीक है? अब थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो यदि फॉर्मूले आपको याद हो, आपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कोट थीटा, टेन थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है? ये बच्चों जो 6 फॉर्मूले हैं वो आपके पड़े हुए हैं। थीटा बच्चों यहाँ पे कोई एंगल दर्शा रहा है जो 0 से ग्रेटर इक्वल होगा बट 90 से लेस होगा, ठीक है? 90 से लेस ही हम इस वजह से लेते हैं थीटा को, जो वैसे तो बच्चों थीटा कितनी भी डिग्री का मान सकते हो, बाकी कोशिश ये रखो कि थीटा इस हिसाब से आपके पास आ जाए जो 90 से लेस हो बट ग्रेटर देन 0, क्योंकि 90 से बड़ी वैल्यू को यदि आप माइनस करते हो या प्लस करते हो, 90 से जो ग्रेटर है उसको आप प्लस या माइनस करोगे तो वो पूरा क्वाड्रेंट चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3π/2 में मैं 90 से लेस यानी 89 तक कुछ भी ऐड करूं वो इस क्वाड्रेंट में रहेगा, लेकिन 90 ऐड करते ही क्वाड्रेंट बदला, क्वाड्रेंट चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो कोशिश ये रखो, ये प्रोसेस आपके पड़ी हुई है। अब π/2 बच्चों देखो आपका यहाँ है, π/2 आपका यहाँ है, इससे थीटा माइनस करूंगा तो मैं बैक आया ना, इससे यदि मैं थीटा माइनस करूंगा तो मैं कहाँ गया, बैक आ गया, कहाँ गया बैक, पीछे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते ही
आल वैल्यू पॉजिटिव, यानी इक्वल में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ अब प्लस कर दूंगी तो ये तो याद होगी बच्चों आपको। तो अब देखो यदि मैं यहाँ पे क्या कर दूं, प्लस कर दूं, जब मैं यहाँ पर प्लस करूंगा तो अब देखिए मैं कहाँ जाऊँ, प्लस करते ही मैं पाई बाई टू प्लस थीटा करते ही मैं यहाँ आ गया, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो इन सब के आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन। सॉरी ये टेन में मिक्स हो चुका है, इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, ये लीजिए और ये, अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, देखो कुछ बच्चे इधर वाली वैल्यू के हिसाब से साइन लगाते हैं, लेकिन बच्चों जो रिजल्ट है वो इसके हिसाब से है। ठीक है, इधर साइन और जो कोसेक है वो पॉजिटिव लेनी है आपको, न कि इधर साइन और कोसेक। ठीक है, ये तो रिजल्ट है, रिजल्ट को पे फोकस होना, हमारा तो मेन क्या फंक्शन के ऊपर चलना है। तो ये जो मेन बातें हैं वो आपको स्पेशली याद रखनी है। तो बताइए बच्चों इतनी बातें याद रह जाएगी क्या, कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर हो गया होगा भाई जो ट्रिग्नोमेट्री का जो मैं रूल बता रहा हूँ। अब आप कहोगे सर पाई बाई टू, तो यदि पाई हो तो क्या होगा, तो रूल चेंज हो जाए। तो बच्चों तो मैं दो वर्ड बोल रहा हूँ, इसको तो नाम याद रख लो एक बार, चेंजिंग लाइन, इसका नाम तो क्या रख लो एक बार, चेंजिंग लाइन, इसको याद रख लो नो चेंज। मतलब जब आप एंगल का डिसाइड भी पोजिशन इस लाइन से पता करो तो वो चेंज होगा। चेंज होने का मतलब जैसे पाई बाई टू से यहाँ पे जो एंगल का डिसाइड मैंने किया भाई, पोजीशन बताई मैंने क्वाड्रेंट की, वो इसके ऊपर ही पता चली, सीधा थीटा होता थोड़ा ना बता सकता था, ये पाई बाई टू इसके ऊपर ही तो बेस्ट, मैं इसके आगे की पोजीशन पे जा रहा हूँ, पाई बाई टू से रिलेटेड ही तो मैं इसकी आगे की पोजीशन के ऊपर जा रहा हूँ, आई बात समझ में। तो इसके जब मैं आगे की पोजीशन के ऊपर जाऊँगा तो मैं पाई बाई टू से डिसाइड कर रहा हूँ ना, क्योंकि जो स्थायित्व है जो फिक्स्ड पॉइंट है वो पाई बाई टू है, इसके बाद की पोजीशन है वो पहले पाई बाई टू पे आई भी। जैसे मैंने आपको बताया हम 180 से डिवाइड कर रहे थे, तो मेन जो हमारा प्रोसेस था वो 180 था वहाँ पे, तो यहाँ पे अब हमारा जो मेन प्रोसेस है वो ये लाइन के जो चार पॉइंट है पाई बाई टू, पाई थ्री, पाई बाई टू और टू पाई, ये चार पॉइंट है क्योंकि हमने इन्हीं को लिखा है, इनके ऊपर बेस्ड है। तो यदि इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट हो जैसे इधर वाले हो या इधर वाले, इनके से डिसाइड करना तो वो चेंज होगा। चेंज होने का बेसिकली मीनिंग ये हो गया, जैसे साइन है वो कोस आ गया, कोस है वो साइन आ गया, टेन का कोट आ गया, कोट का टेन आ गया, सेक का कोसेक आ गया और कोसेक का सेक आ गया, ये चेंज हुआ। वैल्यू चेंज नहीं किया हमने, साइन चेंज वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया, मैं कह रहा हूँ साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, जो बातें आप प्रीवियसली क्लासों से जानते हो। ठीक है स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ गई होगी या कोई डाउट है, यदि इतनी बात समझ आ गई है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नाम याद रह जाएगा ना कि इस लाइन के अकॉर्डिंग जब भी आप प्रोसेस निर्धारित करोगे तो चेंज। तो जो देखो इस तरीके से तो ये फॉर्मूले कितने बन जाएंगे, इन फॉर्मूले का कोई एंड नहीं होगा क्योंकि एंगल तो बढ़ता रहता है, फॉर्मूले बढ़ते रहेंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, आप इस कॉन्सेप्ट को समझो, मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग के 2 पाई तक के ही फॉर्मूले बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ 2 पाई तक के ही फॉर्मूले बताऊंगा, बाकी इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके पास जैसे ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, यहाँ पे पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, जैसे ये 450 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल 480 डिग्री हो, अब मुझे ये पता करना हो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आप कोई सर कैसे पता करें, देखो तो मैं आपको बताता हूँ, समझो इसको 480 को बेटा मैं पहले पाई बाई टू से डिवाइड करूँगा, पाई बाई टू अर्थात 90 से डिवाइड करूँगा तो ये 5 पे जाएगा और 3 रिमाइंडर आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 पाई बाई टू प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ या ये लिख सकता हूँ, 5 पाई बाई टू प्लस 380 डिग्री मैं लिख सकता हूँ, यदि आप इसको ध्यान से समझो तो, क्योंकि मैंने इसको 90 से डिवाइड किया। अब 5 पाई बाई टू मेरा कहाँ है, यहाँ हो गया, समझ गए बात को, 5 पाई बाई टू यानी उसके अकॉर्डिंग चेंज करूँगा फिर मैं, यानी मैं 5 पाई बाई टू को ऐसे ट्रीटमेंट करूँगा जैसे मैं पाई बाई टू को ले रहा हूँ, आई बात समझ गए। आप ये मत देखिए 5 पाई बाई टू है लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो तो वही आ गई, तो अब इसको पाई बाई टू के हिसाब से ट्रीट करिए आप। तो यदि इसको मैं पाई बाई टू, तो ये बन गया साइन पाई बाई टू प्लस थीटा,
क्या बन गया, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, तो ये क्या होता है कोस थीटा, तो ये रिजल्ट आएगा कोस 30। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2। यानी आप देखिए मैंने साइन 480 डिग्री की वैल्यू कितनी जल्दी पता कर ली, ये तब पॉसिबल है जब मेरे को बेसिक कंसेप्ट मेरा क्लियर होगा। यानी मुझे दो बातें तो खास कर बताऊं, देखो टेबल बच्चों जो आपने वो पढ़ी है वो तो आपके याद होनी कंपलसरी है। यदि कोई बच्चा ये सोच रहे कि उसको बिना याद किए भी काम चल जाएगा तो बच्चों इम्पॉसिबल है, वो याद होनी जरूरी है। इसके बाद का जो आगे का कंसेप्ट है वो बच्चों हमारा ये रहेगा कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेंट पता करेंगे। क्वाड्रेंट मैंने कहा था भाई वैसे तो बच्चों 180 के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन कई बार जो थीटा होता है वो 90 से कम ज्यादा हो जाता है, जैसे 120 हो, तो इसलिए पाई बाय 2 90 से डिवाइड करके वो पोजीशन पता करेंगे। ठीक है, जितना पाई बाय 2 आता है उसके अकॉर्डिंग देख लो। उसके बाद जैसे मान लो मैं इसको तो एक बार समझाने के लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ पाई बाय 2, फिर वो उसको ऐसे ट्रीटमेंट करो, उसको ऐसे यूज करो, ऐसे ट्रीट करो जैसे आप पाई बाय 2 को यूज कर रहे हो। ये मत देखो वो 5 पाई बाय 2 है, लेकिन पोजीशन देखो आप, भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आप 5 पाई बाय 2 पे मत जाके उसकी पोजीशन पे जाओ, पोजीशन तो वापस वही आ गई तो यूज तो वही हो गया ना, उसका एंगल तो वही रहेगा उसके हिसाब से, तो उसको पाई बाय 2 के अकॉर्डिंग यूज करेंगे तो फिर ये वैल्यू। अब बस समझ आ गई बेटा। वैसे अगर आपको याद हो तो आपने लास्ट क्लास में साइन 120 डिग्री की वैल्यू यूज की होगी, जहां आप सेक्टर सेगमेंट अर्थात त्रिज्याखंड वृत्तखंड पढ़ते हो, तो वृत्तखंड का फॉर्मूला जो आप लिखते हो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, जहां पे थीटा कई बार 120 होता था और रूट 3/2 बच्चे कंफ्यूज हो जाते थे कसर यदि और आ गया तो कैसे पता करें, तो बच्चों अब वो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 प्लस 30 यानी पाई बाय 2 प्लस 30 डिग्री, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कोस 30 डिग्री और ये वैल्यू रूट 3/2 जो आप यूज करते थे। अब बात समझ आ गई होगी, एनी डाउट है, कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया बच्चों? तो ये फॉर्मूलों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने क्या कहा था भाई हमें पर लाइन के अकॉर्डिंग देखना है। अब बच्चों देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल 120 है आपका कंप्लीट, ठीक है, अब इतनी बार समझ आ गई तो इसको बार इरेज कर दो, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हम, जितना आपके समझ आए जितना आप कवर कर सको एक बार उतना ही, हाँ लेकिन कवर साथ साथ करना है, ये जरूरी है कि यदि आप साथ साथ कवर नहीं करोगे तो बच्चों मान के चलो फिर ये बात भूल जाओगे, साथ साथ थोड़ा थोड़ा रेगुलरली करते जाओगे तो मान के चलो आपकी एकदम बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट आप मुझे ये बताओ बच्चों कि मैं 120 तक जाना है मेरे को, मतलब यहां से मैं यहां पहुंच गया तो मैं जो फिक्स्ड पॉइंट है उनको लूंगा, एक मैं इसको लेता हूं, तो मैं दो तरीके से जा सकता हूं क्या, नहीं इसमें 30 ऐड कर दूं या इसमें 60 क्या कर दूं माइनस कर दूं तो भी मैं 120 तक ही पहुंचा। बात समझ आ रही है बच्चों जो मैं बोल रहा हूं वो? आज हाँ आज के लेक्चर इतना ही रहेगा, हम बस इसी क्वाड्रेंट तक आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट तक की प्रोसेस आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि यदि मुझे यहां आना हो इस पॉइंट पे तो मैं दो तरीके से आ सकता हूं ना, या तो मैं 90 में 30 ऐड कर दूं या मैं 180 से 60 सबट्रैक्ट अर्थात माइनस कर दूं घटा दूं, पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? तो अब मैं जो कंडीशन लिखूंगा मैं लिखूंगा वो पाई के अकॉर्डिंग, यानी साइन पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा और कोसेक पाई माइनस थीटा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्वाड्रेंट कौन सा है, क्वाड्रेंट है सेकंड, क्योंकि बच्चों आपको मैंने बताया था पाई यहाँ पे है और जब आप इससे कुछ माइनस करोगे, जब आप इससे कुछ क्या करोगे माइनस करोगे तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी आप पीछे आ रहे हो। 60 माइनस किया, 90 तो नहीं किया, तो 90 से कम है तो क्वाड्रेंट चेंज नहीं होगा, वो सेकंड ही रहेगा। ठीक है, तो सेकंड में साइन के इक्वल पॉजिटिव साइन लगेगा और कोसेक के इक्वल पॉजिटिव, बट इस लाइन का नाम क्या है, नो चेंज, यानी चेंज नहीं करना है उसकी वैल्यू को, उसकी वैल्यू को वैसे का वैसा ही रखना है। तो उसकी वैल्यू को जब वैसे का वैसा ही रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कोट थीटा माइनस सेक थीटा एंड दिस इज कोसेक थीटा। बस समझ आई स्टूडेंट?
या अभी भी कोई डाउट है? डाउट नहीं रखना है, डाउट तो किसी तरीके का ही नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कहा था नो चेंज, नो चेंज यानी साइन के इक्वल में साइन रहेगा, कोस के इक्वल में कोस, क्वाड्रेंट सेकंड है तो नेगेटिव, ठीक है। कईयों के दिमाग में बात आएगी ये क्या कर रहा है, ये बच्चों कुछ नहीं, ये सिर्फ पोजीशन बताता है। मैं आपको क्या कहा था, एंगल घूमते जाओ वापस वही पोजीशन आती रहेगी, तो जो ये है वो पोजीशन बताता है। जैसे ही पोजीशन पता चल गई फिर पाई का यूज नहीं है, ठीक है। हमारा काम सिर्फ पोजीशन पता करना है, ठीक है। यानी ये जो साइन थीटा, तो देखो जैसे अभी 120 की वैल्यू मैंने निकाली, तो साइन 120 मैं दोबारा यूज करूं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 180 माइनस 60 दैट्स मीनिंग ऑफ पाई माइनस 60, और इसके अकॉर्डिंग ये साइन 60 हो जाएगा, और साइन थीटा क्या होता है आपका रूट 3/2, और पहले बच्चों कितनी आई थी रूट 3/2, ठीक है। तो हम पोजीशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, न कि इस बात के ऊपर कि वो किस तरीके से पोजीशन। देखो कैसे भी आओ, चाहे किसी में प्लस करके आओ या माइनस करके आओ, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस साइन लगेगा, ठीक है। बस ये याद रखना बच्चों, यदि आप इस लाइन के आधार पर पोजीशन ले रहे हो, जैसे जिसमें पाई 2π 3π 4π, तब तो उसको चेंज नहीं करना, चेंज यानी ये अगर इस लाइन के आधार पे पोजीशन ले रहे हो पाई बाई 2 3π बाई 2 5π बाई 2, तो चेंज कर दो साइन कोस को साइन में, टेन कोट में कोट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक के सेक में, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक गलती जो लगभग बच्चे कई बार कर देते हैं, चाहे वो जानबूझ के ना हो लेकिन बच्चों मिस्टेक होती है तो मार्क कट जाते हैं। साइन हमेशा इस साइड के आधार पर लगाना, इधर के आधार पर मत लगाना। कोई बच्चा ये सोच रहा हो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है, जैसे कोस 120 है तो कोस 120 का रिजल्ट तो साइन, मान लो आप निकाल रहे हो 90+30 तो वो पॉजिटिव कर दो, तो वो पॉजिटिव नहीं होगा। कोस 120 की वैल्यू इस तरीके से बच्चों, जो होमवर्क है मेरा, जैसे कोस 120 वो निकाल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर इस लेक्चर को मैं फिनिश कर दूंगा, ओके। तो यदि यहाँ पे कोस 120 हो तो कोस 120 क्या हो जाएगा, इसको मैं यदि कोस 5/2+30 लिखूंगा तो ये साइन में तो चेंज हो जाएगा लेकिन माइनस आएगा, -1/2। यदि इसको कोस में पाई माइनस 60 लिखूंगा तो ये आएगा -cos 60, तो भी -1/2, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये सॉल्व होगा, बस साइन का ध्यान रखना है थोड़ा सा चेंज। बाकी अब आपके लिए जो होमवर्क किया जाएगा वो टेन कोट से कोसेक के लिए आप 120 की वैल्यू और 150 की भी वैल्यू पता करोगे सभी के लिए, ठीक है बच्चों। आज के लेक्चर में इतना ही, आगे की जो बच्चों जानकारी है थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट और आगे के जो अलग फॉर्मूले हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, धन्यवाद।